चलिए, तो आई में कुछ टॉपिक रह गया था, बीच में स्किप हो गया था, याद दिला दिए तुम लोग। तो टॉपिक रह गया था आई कैविटी। अच्छा, पहली बात देखो, कल मैं फ्लो फ्लो में एक वर्ड गलत यूज कर रहा था। मुझे आई ऑर्बिट वर्ड यूज करना चाहिए था, और मैं आई कैविटी दोनों को एक ही बता रहा था। नहीं, गलत है। आई कैविटी आई के अंदर का कैविटी है, और आई ऑर्बिट ये जो बोन लेक्रैमल बोन से यहाँ पे जो नॉच बनाया गड्ढा, दैट इज आई ऑर्बिट। तो जो कल हम डायग्राम में लेफ्ट और राइट में खांच में लिखे थे ना, कैविटी, दैट इज नॉट कैविटी, सही कर लेना, वो आई ऑर्बिट हुआ लेफ्ट और राइट का। ठीक है, कैविटी कहाँ होता? आई के अंदर। अब कैविटी कहाँ है तो आ जाओ दिखाते हैं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा, बहुत पढ़ा चुके हैं, कितनी बार डायग्राम पहले बनाया बनाया कि नहीं बनाया। ये क्या है रीवा? कॉर्निया। यह है कॉर्निया। ठीक है, और ये क्या है? स्क्लेरा। SCLER, स्क्लेरा। और ये जो केनाल है, इस केनाल का क्या नाम है? कैनाल ऑफ फ्लेम। केनाल ऑफ स्लेम। सेम इधर ऐसे भी है। ठीक है चलो। ठीक, ये क्या है? ये वाली लेयर कोरोइड। कोरोइड। चलो वैसे उसका यहाँ कोरोल नहीं है। ये क्या है? ये सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। और ये क्या है? आयरिस। ये आयरिस। बताओ रिवा, ह्यूमन में लेंस कैसा होता है? ह्यूमन में लेंस कैसा होता है? अरे ह्यूमन में लेंस कैसा होता है? क्या हो गया, आप सुन गए क्या? हम पूछ रहे हैं ह्यूमन में लेंस कैसा होता है, ये भी नहीं पता है। सामने डायग्राम बना हुआ है लेकिन फिर भी नहीं पता है। बताओ कैसा होता है अतिक? बाय कन्वेक्स। ठीक है, और ये क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यही कैविटी। अब देखो समझा देते हैं, ये वाला स्पेस कहां से कहां, ये वाला स्पेस यही है पूरा आई कैविटी। कहां से कहां? कॉर्निया से लेके। अच्छा ये वाली लेयर का पहले नाम बताओ। ये वाली लेयर का तो नाम ही नहीं बताया तुम लोग। ये वाली कौन सी लेयर है? रेटिना है कि नहीं? पार्स ऑप्टिका, रेटिना याद है? ये वाला पार्स सिलियरिस, और ये वाला पार्स आयरिडिका। तो ये वाली लेयर पार्स ऑप्टिका रेटिना। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है कॉर्निया से लेके रेटिना तक, ये पूरा कैविटी क्या करा रहा है? आई कैविटी। लेकिन ये आई कैविटी अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। देखो यहां से लेकर यहां तक, लेंस के पहले तक एक पार्ट हुआ हुआ यहां से यहां तक एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद लेंस के बाद यहां से यहां तक एक पार्ट। तो बताओ आई कैविटी का दो पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को कहते हैं विट्रस चैम्बर। क्या कहते हैं? वीसी, विट्रस चैम्बर। और इस वाले पार्ट को कहते हैं एक्वस चैम्बर। क्यों अभी समझा रहे हैं? एक्वस चैम्बर। अब सुनो क्यों कहते हैं। बेसिकली होता क्या पता है, ये जो आप देख रहे हो ना सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी में ना कुछ ग्लैंड लगे होते हैं, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं सिलियरी बॉडी में, पूरी सिलियरी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये ग्लैंड्स क्या करता है ना, कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है, इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी, सिलियरी बॉडी के सेल्स, ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर सेल्स। और वो सिक्रीशन इधर आके भर जाता है इस कैविटी में भी, विट्रस चैम्बर में, और इधर आके भी भर जाता है एक्वस चैम्बर में। अब सुनना ध्यान से, इधर जो चैम्बर में फ्लूड भरा उसको कहते हैं क्या? एक्वस फ्लूड, एक्वस फ्लूड। ठीक है, और इधर जो भरा उसको बोलते हैं विट्रस फ्लूड, विट्रस फ्लूड। ये दोनों ही फ्लूड
ये तो थोड़ा मोटा होता है, ठीक होता है, ठीक है। ये अल्कलाइन फ्लूड है, अल्कलाइन फ्लूड है, ये दोनों ही फ्लूड ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट कैसे जाएगा जी, है? भले ही मोटा है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट है। हाँ, दोनों के कंपोजिशन में थोड़ा सा अंतर है, सुनना ध्यान से, कंपोजिशन में क्या अंतर है। ये जो विट्रस फ्लूड है इसके अंदर अभी मैसेज कर रहा है, इलनेस है, इलनेस ज्यादा टॉर्चर करेंगे भाग जाएगा ये भी ज्योति की तरह, इसलिए फायदा नहीं है टॉर्चर करने का, क्योंकि ना पढ़ने वाला वैसे नहीं पढ़ेगा, भागेगा घटा होगा सो अलग, इसलिए फायदा नहीं है। भाग के फिर पैसा मांगेगा सो अलग, शर्म नहीं आता है, भाग के भी पैसा मांग लेता है आदमी, शर्म आना चाहिए ना कि पहली बार तो हम भागे बदतमीजी करके फिर पैसा भी मांगेगा अलग, फायदा नहीं है, रहने दो जैसे है वैसे रहने दो, डायरेक्ट टोकोगे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारा जाएगा। ये विट्रस फ्लूड का जो कंपोजिशन है क्या बोले, इसमें 99% तो वाटर है, इसके अलावा इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और इसमें अच्छा खासा अमाउंट में विटेरिन प्रोटीन है, इसलिए इस फ्लूड का नाम पड़ा है विट्रस फ्लूड और कैविटी का नाम पड़ा है विट्रस चैम्बर, विटेरिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सब चीज होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं इसमें, सॉल्ट्स वगैरह, तो ये सब मिलके क्या बना है आपका विट्रस फ्लूड, चैम्बर क्या कहला रहा है विट्रस चैम्बर। तो बता विट्रस चैम्बर कहाँ से कहाँ है, लेंस से लेट्रिना के बीच का स्पेस, इसमें भी कोरोइड की ही जो ग्लैंडुलर सेल्स है उन्होंने ही रिलीज करके फ्लूड को बढ़ाया, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर भी उसी ने बढ़ाया है जो ग्लैंडुलर ये है, ठीक है, उन्होंने ही बढ़ाया, लेकिन इसके अलावा इस वाले पूरी लेयर में, अच्छा याद करो ये तो मैंने आपको बताया था, ये वाली लेयर ये तो हाईली वेस्कुलर होती है, बताया था ना, अरे कोरोइड याद आया, ये तो हाईली वैस्कुलर होती है कि नहीं ये पूरी लेयर हाईली वैस्कुलर होती है, तो मैंने कहा था इससे न्यूट्रिएंट आपको इधर एस्केलेरा को भी मिल जाएगा, बाकी रेटिना वगैरह को भी मिल जाएगा, जबकि एस्केलेरा क्या था उसमें अवैस्कुलर था, तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं था, लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट मिल गया था, कैसे, ये तो कोरोइड है वो हाईली वैस्कुलर था, याद है, बताया था, तो ये ब्लड सप्लाई तो यहाँ तक होगा ना भाई, यहाँ तक तो होगा ना, यहाँ तक होगा पूरा का पूरा। तो एक्चुअली होता क्या है ना, देखो ध्यान से, ये जो एक्वस चैम्बर है इसमें भी दो कंपार्टमेंट है, ध्यान से देखो आप, एक्वस चैम्बर में भी दो कंपार्टमेंट, कौन कौन से देखोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो चैम्बर है, एक आगे वाला जिसको बोलोगे एंटीरियर चैम्बर और एक पीछे वाला जिसको बोलोगे पोस्टीरियर चैम्बर। अब आप गौर करो, जो पोस्टीरियर चैम्बर है क्या वहां पे ब्लड सप्लाई है, बिल्कुल है, क्या वहां से O2 वगैरह आ जाएगा इस पोस्टीरियर चैम्बर में, बिल्कुल आ जाएगा, न्यूट्रिएंट वगैरह आ जाएगा, बोलो आ गया, अब ये O2 न्यूट्रिएंट वगैरह इधर आ गया और यहाँ से बहते हुए इधर आ जाएगा, और एक्वस चैम्बर में जो फ्लूड है में पानी वानी है फ्लूड वो तो है ही है, बाकी O2 वगैरह आ गया वो बह के इधर आ जाएगा और इस पूरी कॉर्निया वाले लेयर को मिल जाएगा, बोले थे ना कि कॉर्निया का भी इंतजाम हो जाएगा, हो गया आज, कॉर्निया भी है वैस्कुलर है लेकिन न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, कैसे, वो जो कोरोइड है उसमें जो वेस्कुलराइजेशन है ब्लड सप्लाई है वो पोस्टीरियर चैम्बर में न्यूट्रिएंट और O2 वगैरह रिलीज किया और कोरोइड के सेल्स ने उसको यूटिलाइज कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यहाँ आर्टरी से ब्लड आया होगा तब ना, साफ ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ब्लड गंदा हो गया होगा क्योंकि इसने O2 यूज किया होगा, CO2 इसमें छोड़ दिया होगा, तो बताओ ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो आप बताओ कि यहाँ से ये सारा ब्लड वेन में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, बोलो पहुंचना चाहिए ना, तो यहाँ का ये सारा फ्लूड ब्लड क्या, सारा फ्लूड इस केनाल ऑफ स्लेम को होते हुए बाहर निकल जाता है, केनाल ऑफ स्लेम को होते हुए बाहर निकल जाता है और बाहर इधर जो भी वेन्स वगैरह है उस वेन में चला जाता है, वेन्स में चला जाता है, फिर वो वेन के थ्रू बॉडी के उस पार्ट में चला जाता है जहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, कचरा बाहर निकल जाता है, इस कदर से निकल रहा है, ये है कैविटी ऑफ आई, मतलब कि आई चैम्बर बोलो या फिर आई कैविटी बोलो, तो यही एक्वस चैम्बर बोलो, विट्रस चैम्बर बोलो, एक्वस चैम्बर के दो पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। अब यहीं पर एक डिजीज आपको हम बताते हैं, अगर किसी कारण से केनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाए, सोचो अगर किसी कारण से केनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, बताओ रिवा क्या होगा,
सोच के बता जल्दी। यदि किसी कारण से कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? रिभा मीटिंग में नहीं है लगता है। मीटिंग में तो है, रिभा सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर बोलिए। हाँ तो सुनाई दे रहा है तो बोला करो। यदि किसी कारण से बोलो सर कैनाल ऑफ स्लेम बंद हो गए हैं। हाँ यदि किसी कारण से कैनाल ऑफ स्लेम बंद हो गया तो क्या होगा सर? तो वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से पास कर रहा था तो वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा फिर उसके बाद डिऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ये बोलो कि वो फ्लूड जो एक्वस चैम्बर का फ्लूड है, गंदा फ्लूड इधर से आ रहा था साफ फ्लूड और इधर से गंदा फ्लूड निकल रहा था, तो वो निकलना बंद हो जाएगा। अब अगर वो निकलना बंद हो जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि फ्लूड तो आता ही जा रहा है ना। हाँ। आ गया क्या? तो यहाँ पे फ्लूड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, और अगर यहाँ पे फ्लूड बढ़ता ही जा रहा है तो क्या होगा बोलो? वो फ्लूड प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो इधर कॉर्निया पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉर्निया हम बताए थे ना आपको टफ लेयर है। वो असर पता है कहाँ पड़ेगा? वो फ्लूड का प्रेशर इधर आ जाएगा, इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर भले ही फ्लूड बढ़ा इधर है लेकिन प्रेशर तो इधर भी एग्जर्ट होने लगेगा, और इधर अगर प्रेशर बढ़ा ना तो रेटिना रेप्चर हो सकता है बोलो। और अगर रेटिना रेप्चर होगा तो कैसा ब्लाइंडनेस होगा? ठीक कैसा ब्लाइंडनेस होगा? लेंटिकुलर या कॉर्नियल या सेंसरी न्यूरल? सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल ब्लाइंडनेस, रेटिना फ्रैक्चर हो जाएगा, और इस डिजीज को कहते हैं ग्लूकोमा। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बोले ना यार न्यूरॉन डैमेज हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आंखों में दर्द होने लगे ना तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में डॉक्टर को अगर पता चला कि कैनाल ऑफ स्लेम किसी कारण से ब्लॉक हो गया है तो शायद वो कैनाल ऑफ स्लेम को ओपन कर ले, और अगर ये ओपन हो गया, अभी रेटिना डैमेज नहीं हुआ था, ये ओपन हो गया तब तो हो गया, बच गया, अंधा होने से बच गया। लेकिन अगर अंधा हो गया तब तो आप डॉक्टर के पास जाके भी आपको कुछ नहीं होने वाला है, ये है कि आँख फटने से बच सकता है लेकिन अंधा तो हो ही गए। ठीक है, तो ये आपका आई कैविटी बचा हुआ था, ये भी मैंने बता दिया, नोट्स में देखो लिखा होगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, बचा आई लीड्स। देखो आई लीड्स कुछ नहीं होता है, आप जो आई होता है ना उसमें एक और मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि उसको बोलते हैं थर्ड आई मेम्ब्रेन, मतलब कि एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये समझो ना आई लीड्स निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। ये सब आपसे कोई पूछता नहीं है, सब पहले एग्जाम में आता था इसलिए लिखवा दिए हैं, बस यूँ समझो कि वो जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है आई लीड्स के नीचे, आई लीड्स तो क्या हुआ ये वाला, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है आई मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। उसका रोल अभी के ह्यूमन में कोई रोल नहीं है, उसका वेस्टिजियल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक जगह किनारे में रखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में वो एंटायर आई पर स्प्रेड हो जाता है और आई को किसी मैकेनिकल डैमेज से बचा लेता है, लेकिन अदरवाइज ये कभी कभी ही होता है, अदरवाइज ये वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ठीक है, आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, पूछेगा तो यही सवाल आएगा कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, आई में पाया जाता है, उसका कोई रोल नहीं है इसलिए वो वेस्टिजियल ऑर्गेन है, मतलब कि नॉन फंक्शनल है, दैट्स ऑल। बाकी पढ़ लेना नोटबुक से, वो आई लीड्स वगैरह कोई पूछता नहीं। ठीक है, आई कैविटी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में था, भूल गए थे बताना इसलिए बता दिए। तो अब जाके आपका फाइनली क्या हुआ, आई समाप्त हो गया। अगर कोई डाउट है तो बोलो, फिर हम मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अतिक अभी कोई डाउट है? विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड बढ़ता रहता तो वो मेंटेन कैसे होता है? विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड बढ़ रहा है वो मेंटेन कैसे होता है, सुनना ध्यान से। एक्वस चैम्बर में क्या हो रहा है ना कि जिस रेट से क्या बोले फिर एक्वस चैम्बर में क्या होता है, जिस रेट से फ्लूइड आ रहा है उस रेट से इधर फ्लूइड निकल रहा है, लेकिन विट्रस चैम्बर में फ्लूड भरा हुआ है उसको कोई यूटिलाइज थोड़ी कर रहा है, जो आना है और निकलना है भरा हुआ है, बस ये समझो कि आई को आई बॉल को कोलैप्स होने से बचाया जा रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि इसकी तरह आ रहा है और जा रहा है, नहीं उसमें फ्लूड है बस रखा हुआ है, उससे उसको गंदा थोड़ी किया जा रहा है, उसको निकालना जरूरी है। बोलो बात क्लियर है? और कोई डाउट?
नो सर। अरे वाह, नो सर। चलो ठीक है, अब आओ अगले मीटिंग में मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं।